राज इंडिया 18 में आपका स्वागत है और हम खबर की शुरुआत करते हैं छतरपुर से। तो देखते हैं अरविंद वर्मा की यह रिपोर्ट। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधी नकाबपोश बदमाशों ने दिनदहाड़े सराफा कारोबारी की स्कूटी से निकाले 7 लाख रुपए। अपराधी कितने बेखौफ है कि दिनदहाड़े लोगों के पैसों पर हाथ साफ कर रहे हैं। इससे तो यही लगता है कि अपराधियों में अब पुलिस का खौफ नहीं है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। छतरपुर में अपराधों में नियंत्रण लगाने में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी निष्क्रिय नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में आए दिन हत्या लूट चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सोमवार को दिन दहाड़े सर्राफा कारोबारी रघुवर प्रसाद सोनी की स्कूटी से बदमाशों ने 7 लाख रुपए निकाल लिए। जिला हॉस्पिटल के अंदर पीएम हाउस के सामने घर के बाहर से 2 बाइक सवारों ने निकाला पैसों से भरा बैग। सेंट्रल बैंक से निकाले थे पैसे। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। वही घटना के बाद आला अधिकारियों का कहना है कि टीमें गठित कर दी गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगी। राज इंडिया 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, अरविंद वर्मा, छतरपुर। आज कुछ नहीं, आज पापा सुबह गए होंगे बैंक तो आए और गेट में यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी और बाथरूम करने के लिए रोके तो 2 बाइक में 4 लोग थे। एक यहाँ पे नुक्कड़ में खड़े करी बाइक और एक लड़का आया और यहाँ पैदल आया और स्कूटी चाबी निकाल के डिग्गी खोल के पैसे लेके भागा। तो पापा ने रोकने के लिए पापा गिर गए, उतने में वो लोग चले गए गाड़ियाँ बैठ। क्या किया आप लोगों? रिपोर्ट वगैरह की? रिपोर्ट कर दिए कोतवाली में। ये रघु प्रसाद सोनी जी हैं फरियादी, जिन्होंने अभी थाने में हमें इन्फॉर्म किया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो पठापुर रोड में है वहाँ से 7 लाख रुपये कैश इनके द्वारा विड्रावल किया गया था और पैसा अपनी गाड़ी की डिग्गी स्कूटी में रख के ये घर आ रहे थे। हॉस्पिटल के पास इनका घर है, वहीं बाहर मर्चुरी जो है वहाँ पे ये गाड़ी साइड में खड़ी करके बाथरूम के लिए गया। इतने में से लोग दिख रहे हैं कि व्यक्ति आया है, उसने चाबी से उनके डिक्की खोली, पैसे लेके भाग गया। जिसमें हमने राउंड अप करने के लिए टीम बना ली गई है और सीसीटीवी फुटेज की मदद भी ले रहे हैं और नाकाबंदी करके प्रयास कर। सर, छतरपुर में अभी कुछ दिनों से लगातार अपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, दिन दहाड़ी घटनाएं हो रही हैं, चोरियों की घटनाएं हो रही हैं, इस पर क्यों अंकुश नहीं लगाया जा रहा? नहीं, चोरी की घटनाएं जरूर हुई हैं अभी, लेकिन कुछ डिटेक्शन भी हुआ है। अभी सिविल लाइन में भी कुछ हमारे डिटेक्शन प्रोसेस में कुछ लोग को हमने राउंडअप किया है और हमारा प्रयास रहेगा कि जल्दी इसको खुलासा करें। आपके एक शहर से एक खबर जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंच सकती है, बस एक शेर जरूरी है। हम लगातार सच दिखाते आ रहे हैं क्योंकि हम मिर्च मसाला नहीं, सच दिखाने का प्रयास करते हैं। राज इंडिया 18 लगातार लोकप्रिय होता है क्योंकि आपका विश्वास हमें लोकप्रिय बना रहा है और हम आपके विश्वास को इसी तरह बनाए रखने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।